अगर आपके फ़ोन की ब्राइटनेस भी कम है और उसे आप तेज़ करना चाहते हो लेकिन वो तेज़ नहीं हो रही है, अगर आपकी फ़ोन की ब्राइटनेस एक जगह अटक गई, उसे कम करना चाह रहे हो, कम नहीं हो रही, ज़्यादा करना चाह रहे हो, ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए आपके फ़ोन में कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन पाना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दो सिंपल ट्रिक होती है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए और डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद ऑटो ब्राइटनेस होती है, उसे ऑन कर दीजिए। अगर आप किसी रूम में बैठे हो और बाहर आ रहे हो और धूप में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में आप ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर दीजिए। और अगर आपकी ऑटो ब्राइटनेस ऑन है और आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो हमेशा फुल रहे, तो आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके उसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसे आप फुल कर सकते हो। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकंड होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्राइटनेस कम हो गई या फिर ज़्यादा हो रही है, उसे कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, हो सके तो आप उसे स्विच ऑफ कीजिए, कुछ सेकंड बाद वापस इसे ऑन कर लीजिए, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और थर्ड आते हैं फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन के द्वारा, अगर आपकी जो ब्राइटनेस है वो एक जगह अटक गई है, उसे कम कर रहे हो, कम नहीं हो रही, ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप एक ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लक्स लाइट नाम से ये ऐप्स आएगी। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो और इसके निट्स होते हैं, जो डिस्प्ले के निट्स होते हैं उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स, अगर इन सभी से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने फ़ोन को रूट भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने फ़ोन को रूट ना करो तो बेहतरीन होगा, क्योंकि रूट करना आपके फ़ोन के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे में अगर आप रूट करना चाहते हो, रूट भी कर सकते हो, इससे आपकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर उसके नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और अगर इस सारे प्रयास कर लिए और फिर भी आपके फ़ोन की ब्राइटनेस तेज़ नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये कोई सॉफ्टवेयर इश्यूज़ नहीं है, हार्डवेयर इश्यूज़ है, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर के कारण ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी हार्डवेयर के कारण यानी डिस्प्ले के हार्डवेयर के कारण ये हो रही है। हो सकता है आपने कोई लोकल डिस्प्ले लगवाई हो मार्केट से, उसके कारण भी ये हो सकती है। तो ऐसे में आप अपने सर्विस सेंटर या फिर जहाँ से आपने डिस्प्ले लगवाई है या फिर जहाँ से आपने फ़ोन लिया है वहाँ पर जाकर ये कंप्लेन आपको उनको बताइए, तो वो आपके डिस्प्ले को रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस किस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।